हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 22 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स की। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन की। छात्रों के लिए मनोदर्पण किसने लॉन्च किया है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है मनोहर लाल खट्टर, दूसरा है नीतीश कुमार, तीसरा है अरविंद केजरीवाल और आखिरी है रमेश पोखरियाल निशंक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रमेश पोखरियाल निशंक। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि मनोदर्पण एक एप्लीकेशन है जो कि बच्चों के साइको सोशल सपोर्ट के लिए बनाई गई है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की। द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रिप्लेसेस विच एक्ट? तो यहाँ पर आपको बताना है नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 किस अधिनियम की जगह लेता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। आंद्रे शुरले हैज रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल फुटबॉल, ही प्लेड फॉर विच कंट्री? तो इसका मतलब है आंद्रे शुरले ने हाल ही में पेशेवर फुटबॉल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वह किस देश के लिए खेल चुके हैं? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जर्मनी, स्पेन, ग्रेट ब्रिटेन या फिर न्यूजीलैंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जर्मनी। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप पोस्टपोन टू, यानी कि आईसीसी मैन का टी20 विश्व कप किस वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 2021, 2022, 2023 या फिर 2024। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2022 के लिए इस खेल को स्थगित कर दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की। द जोरम मेगा फूड पार्क लिमिटेड हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि जोरम मेगा फूड पार्क लिमिटेड का उद्घाटन भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में किया गया है। तो वो राज्य आपको बताना है, उस स्टेट का नाम यहाँ पर आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी असम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मिजोरम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज? इसका मतलब है एसबीआई कार्ड और भुगतान सेवा के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, प्रवीण गुप्ता, अश्वनी कुमार तिवारी, समीर गहलोत या फिर महेश कुमार शर्मा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अश्वनी कुमार तिवारी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की। द थर्ड G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स दैट मीन्स FMCBG मीटिंग वॉज हेल्ड अंडर द प्रेजिडेंसी ऑफ विच कंट्री? इसका मतलब है थर्ड G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जापान, दूसरा है सऊदी अरेबिया, तीसरा है साउथ अफ्रीका और आखिरी है मेक्सिको। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सऊदी अरेबिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की। इंडिया आइडियाज समिट 2020 विल बी हेल्ड ऑन, इसका मतलब है भारत विचार शिखर सम्मेलन 2020 डैश पर आयोजित किया जाएगा, यानी कि आपको वो डेट यहाँ पर बतानी है कि किस डेट को ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 20 जुलाई, 21 जुलाई, 22 जुलाई या फिर 23 जुलाई। तो इसका सही जवाब होगा 22 जुलाई। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सूरज कदे मर्दा नहीं, यानी कि सूरज कदे मर्दा नहीं पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ए बलदेव सिंह सड़कनामा, दूसरा सुरेंद्र मोहन पाठक, तीसरा एस हुसैन जैदी
या फिर किशोर देसाई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बलदेव सिंह सड़कनामा। तो चलिए अब बात करते हैं आज की वीडियो के आखिरी सवाल की। हाल ही में सरकार ने भागीरथी इको सेंसिटिव जोन की जोनल मास्टर प्लान ZMP को मंजूरी दी है। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, उड़ीसा, उत्तराखंड, गुजरात या फिर तेलंगाना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।